गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं संजय सोरेन की स्वागत करता हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल नेचर लवर संजय में। दोस्तों, आज मैं आप सभी के लिए लेके आया हूँ एक छोटा सा ट्रिक, टेबल से रिलेटेड, हमारे पहाड़ों से रिलेटेड। तो जो हमारे पहाड़े होते हैं, जैसे आपका दो का हो गया, यानी आपका इंग्लिश में टू, ठीक है, थ्री का हो गया, ठीक है, थ्री, आपका 23 का हो गया, ठीक है, इस तरीके से आप नॉर्मली दो से आपको 20 तक के पहाड़े लगभग लगभग सभी को याद होते हैं। लेकिन 20 के बाद हम नॉर्मली सभी को पहाड़े याद नहीं होते हैं। किसी किसी को जो मतलब ये कि इसमें बहुत खास होता है कि मतलब उसका ये थिंग होता है कि मुझे ये भी याद करना है, ये भी याद करना है, ये भी याद करना है। तो उन्हें 30 के आप 30 से आगे के पहाड़े भी पूछोगे तो उन्हें वो भी याद रहेंगे। लेकिन नॉर्मली हर की शुद्ध नहीं होती। तो मैं अपनी तरफ से जैसे कि अपने पे लेके चल रहा हूँ, तो यह हम यहाँ पे आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताते हैं कि अगर आपको जो पहाड़ा याद नहीं है तो उसे आपको अगर कोई भी बड़ा सा बड़ा डिवाइड करना है तो आप उस पहाड़े को बिना याद करे अपने सवाल में कैसे यूज कर सकते हो, यही हम आपको बताएंगे। आइए सबसे पहले टू से स्टार्ट करते हैं। टू वन जा टू, टू टू जा फोर, टू थ्री जा सिक्स, टू फोर जा एट, टू फाइव जा टेन। नॉर्मली ये सभी को पता होगा टू का टेबल, ठीक है। लेकिन नहीं है हमें पता, हमें याद नहीं है दो का टेबल, तो हम कैसे कर सकते हैं इसे, दो प्लस दो चार, ठीक है, टू प्लस फोर सिक्स, इसको छोड़ देंगे, ठीक है, ये हमने बीच से छोड़नी है। नेक्स्ट पे इसको लेके आएंगे, इसके साथ इसको प्लस कर देंगे, पहले को थर्ड को, सिक्स प्लस टू एट, फिर ये वाली संख्या हमने छोड़ी, इसको भी नेक्स्ट नंबर पे लेके आ गए, ठीक है। ये एरो मैं आपको समझाने के लिए कर रहा हूँ, बता रहा हूँ कि एरो के द्वारा आप समझ जाओगे, एरो की कोई जरूरत नहीं है। वैसे हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल सी बात है, एक संख्या को छोड़ के फिर यहाँ से इस वक्त इसका और इसका प्लस करना है, जैसे 8 प्लस 2 10, ठीक है। फिर ये संख्या भी हमने छोड़ दी, यहाँ से ये छोड़ दी, ये छोड़ दी। अब हमारी जो ये जो हमारी अभी संख्या जो हमारे पास है, इसको पहली संख्या से जोड़ना है, 2 से 10 को जोड़ा 12, ठीक है। अब हमारे पास लास्ट संख्या 12 आई, पहली संख्या 2, 2 प्लस 12 14, ठीक है। यहाँ पे लास्ट संख्या, लास्ट नंबर 14, फर्स्ट नंबर 2, 2 प्लस 14 16, 16 प्लस 2 18, लास्ट नंबर 18, 18 प्लस 2 20। सिंपल है, ये आपका दो का टेबल बन गया, ठीक है। 2 1 2 2 2 2 4 2 3 6 2 4 8 2 5 10 2 6 12 2 7 14 2 8 16 2 9 18 and 2 10 20। सिंपल सी बात है ये। आप कह रहे होंगे दो का पहाड़ा क्या पता आपको याद हो, या टेबल आपको याद हो, आपने ऐसे लिख लिया। वैसे तो मैंने आपको बताया मेथड कि कैसे करना है, पहली संख्या से उसी संख्या को हमने प्लस कर दिया जिस संख्या का हमें टेबल बनाना है। तो हमें दो का टेबल बनाना था, दो से मैंने दो को प्लस किया, कितना है उसके नीचे 4 लिख दिया, फिर 4 प्लस 2 6, फिर मैंने ये किया लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर, 2 प्लस 6 8, ठीक है, लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर, 2 प्लस 8 10, लास्ट नंबर एंड फर्स्ट नंबर, 2 प्लस 10 12, ठीक है। सिंपल सी बात है, आप कह रहे होंगे 2 का टेबल नॉर्मल होता है, तो हम आपको इससे बड़े पहाड़ा भी बना के दिखा देते हैं। माना ये है 12 1 जे 12, 12 2 जे 24, 12 3 जे 36, 12 4 जे 48, 12 5 जे 60, 12 7 जे 72, इसी तरीके से होता है, ठीक है। 12 8 जे 94, 12 9 जे 96, 12 8 जे 96, 12 9 जे 108, 12 10 जे 120। माना हमें ये टेबल याद नहीं है, तो मैं इसे एक बार रफ कर लेता हूँ, ये मुझे याद है तो मैं रफ कर लेता हूँ। और अब मुझे क्या करना है, अपनी ट्रिक से करना है, ट्रिक से करेंगे हम इसको सॉल्व, सॉल्व के पूरा पहाड़ा बनाएंगे, ठीक है। 12 फर्स्ट संख्या प्लस फर्स्ट संख्या, ठीक है, फर्स्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, 12 प्लस 12 24, ठीक है। यहाँ पर अलग से करके दिखा देता हूँ आपको, 2 प्लस 2 4, 1 प्लस 1 2 24, ठीक है। फर्स्ट नंबर प्लस सेकंड नंबर, 4 प्लस 2 6, 1 प्लस 2 3, ठीक है। यहाँ से हमारा फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, 2 प्लस 6 8, 3 प्लस 1 4, ठीक है।
फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर 8 प्लस 2 10 10 का 0 1 कैरी लिया 1 प्लस 1 2 एंड 4 6 यहाँ तक हमारा क्लियर हो गया। आप कह रहे हो कि कैसे कर रहे हैं फर्स्ट नंबर लास्ट नंबर, आपको फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, तो एक बार आपको फिर बता देता हूँ। यहाँ से यहाँ पे हमारे देखो ये 12 से स्टार्ट कर रहे हैं, 12 से स्टार्ट कर रहे हैं और ये 6 तक पहुँच गया। फर्स्ट नंबर अभी हमारा जो दिख रहा है ये कौन सा दिख रहा है 12, ठीक है। लास्ट नंबर फिलहाल अभी कौन दिख रहा है 16, ये कौन सा दिख रहा है लास्ट नंबर। तो हमें क्या करना है फर्स्ट को लास्ट से प्लस करना है, यानी हमें 12 को 60 से प्लस करना है। 202 617 72 कहाँ पे आएगा इसके नीचे, ठीक इसके नीचे। अब हमारा लास्ट नंबर ये नहीं है, हमारा लास्ट नंबर है 72। अब हमें इसके नीचे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कैसे आएगा, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर, ठीक है। यहाँ पर 72 प्लस 1 2 2 प्लस 2 4 7 प्लस 1 8 34 सिंपल, ऐसे ही हमने यहाँ पर कर दिया फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर 4 एंड 2 एंड 4 6 8 एंड 1 96 6 प्लस 2 8 9 प्लस 1 10 108, ठीक है। इसके बाद 2 प्लस 8 10 10 का 0, ठीक है। यहाँ पे आपका 0 आ गया, यहाँ से 1 कैरी लिया 1 प्लस 1 2, ठीक है एंड 1 का 1, ये आपका क्लियर हो गया 12 का पहाड़ा, ठीक है। यहाँ तक तो सब ठीक है, आप कह रहे होंगे ये तो 12 का पहाड़ा है, ये तो कोई भी याद करके नॉर्मली ये एक का दो का तीन का बच्चा हर आजकल कोई भी याद कर लेता है। तो चलो अब हम क्या करते हैं 20 के बाद का टेबल यहाँ पे अपने ट्रिक से सॉल्व करते हैं, ठीक है। 20 आफ्टर 23 लेते हैं, ठीक है। 23 को सबसे पहले कैसे करेगा, आपको मैंने बताया हमने फॉर्मूला फर्स्ट नंबर जो हमारा जिसका हमने भाग करना है, जिसका हमने टेबल निकालना है उसको क्या करोगे उसी में प्लस कर लोगे, यानी 23 का 23 में करोगे तो आपका कितने का 3 प्लस 3 6 2 प्लस 2 4 46। अब हमारे पास फर्स्ट नंबर भी आ गया सेकंड नंबर भी आ गया, लेकिन हमारे पास जो कंडीशन है वो क्या है, फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर इज इक्वल्स नेक्स्ट नंबर। देन हमारे यहाँ पे क्या है, ये सेकंड नंबर भी हमारे लिए 46 है, लास्ट नंबर भी हमारा क्या है 46 भी है, 46 ही है, ठीक है। 6 प्लस 3 9 4 प्लस 2 6 सिंपल। अब यहाँ पे फर्स्ट नंबर ये हुआ लास्ट नंबर ये हुआ, ठीक है। 9 प्लस 3 12 का 2 1 कैरी लिया 2 प्लस 1 3 एंड 6 92, ठीक है। 3 प्लस 2 5 9 प्लस 2 11 3 प्लस 5 8 2 प्लस 1 3 1 का 1 8 एंड 3 11 11 का 1 1 कैरी लिया 4 प्लस 2 6 1 6 1 3 प्लस 1 4 6 प्लस 2 6 एंड 1 3 प्लस 1 4 6 प्लस 2 8, ठीक है। यहाँ पे 184 हो गया 1 का 1 3 प्लस 4 7 8 प्लस 2 0 1 मतलब 10 10 का 0 एंड 1 कैरी लिया 207 3 प्लस 7 10 10 का 0 1 कैरी लिया 2 प्लस 1 3 एंड 2 30। ये आप देख सकते हो यहाँ पे 23 2 ये आपका 26 हुआ, 3 टाइम आपका 69 हुआ, 4 टाइम आपका 92 हुआ, 5 टाइम आपका 115 हुआ, 6 टाइम आपका 138 हुआ, 7 टाइम आपका 161 हुआ एंड 8 टाइम आपका 184 हुआ, 9 जो आपका ये हो गया 207 एंड आपका आफ्टर दैट ये आपका 10 जो कितना हुआ 230। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, सिंपल ट्रिक है। इस तरीके से आप कोई भी कितनी भी बड़ी संख्या हो, आपका 23 हो 233 हो 2330 हो 2330 हो, ठीक है 2330, आप कोई भी संख्या हो इस ट्रिक से आप बिना पहाड़े याद करें क्या कर सकते हो, पहाड़े बना सकते हो और अपनी जो भी कैलकुलेशन है उसमें अपनी क्या कर सकते हो बहुत जल्दी से, मतलब ये है कि आपको याद करने की कोई झंझट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप नॉर्मली ये सब कर सकते हो। तो उम्मीद है आप सभी को ये मेरी छोटी सी ट्रिक पसंद आई होगी।
अगर आपको ये ट्रिक पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी ये ट्रिक कैसी लगी। मिलते हैं अपनी नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय देवभूमि उत्तराखंड।